मसूरी गुरुवार की देर शाम को कंपनी गार्डन में बोटिंग को लेकर देहरादून डोभाल वाला से वसीम पुत्र बाबू खान और बोटिंग करा रहे कर्मचारियों के बीच बोटिंग के समय को लेकर विवाद हो गया और एकाएक विवाद झगड़े में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों ही पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें वसीम खान और उनके दोस्तों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। झगड़े की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल भावना केंथोला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को मसूरी कोतवाली लेकर आई। वसीम खान ने बताया कि वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ मसूरी कंपनी गार्डन स्थित झील पर बोटिंग कर रहे थे और बोटिंग के समय को लेकर बोटिंग करा रहे कर्मचारियों ने उनके समय समाप्त होने का इशारा किया, जिसके बाद वो बोट को किनारे पर लाने लगे, जिसमें कुछ समय लगा, जिसको लेकर कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। मुझे कॉल आई थी कि कंपनी गार्डन में कोई झगड़ा हो रहा है, सूचना पर मैं मेरे सूरजी सूरज मौके पे गए तो वहाँ पर देहरादून से कुछ यात्री आए हुए थे जो बोटिंग कर रहे थे। बोटिंग में इनका समय 15 मिनट निश्चित है, पर समय को लेकर कुछ दोनों यात्रियों में और वहाँ के बोटिंग करवाने वाले कर्मचारियों में कुछ बहसबाजी हुई जो गालीगलौज मारपीट में तब्दील हो गई थी, लेकिन इन्होंने कर्मचारियों ने उनसे ज़्यादा मारपीट कर दी, जिनमें उनको हल्की फुल्की चोटें आई, जिनका मेडिकल कराया गया तो साधारण चोटें हैं। इस पर अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो ये वाकयात बढ़ सकते थे। कर्मचारी जो मारपीट कर रहे थे उनको 151 गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे पक्ष का मेडिकल करा दिया था। उन लोगों ने कोई भी कार्रवाई से इनकार किया है कि हम लोग यात्री हैं और लंबा नहीं कर सकते, परंतु पुलिस द्वारा अपनी कार्रवाई पूर्ण की गई है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।